नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले ही बड़ा दांव चला है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी भी कर दी है। जैसा कि आपको बता दें कि आज ही हमारे चैनल विराट 24 न्यूज चैनल में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर लिस्ट के बारे में चर्चा की गई थी कि इनके उम्मीदवार जो हैं, संभावित नाम जहां जो सीटें हैं उनमें से हो सकते हैं, जो कि सटीक विश्लेषण बैठता हुआ नजर आया। जहां से एक बार फिर रीवा लोकसभा की बात की जाए तो जनार्दन मिश्रा को फिर से टिकट मिली है। सतना से यदि बात की जाए तो गणेश सिंह पुनः, जो कि विधानसभा चुनाव हार चुके थे, गणेश सिंह को पुनः रिपीट किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर भोपाल लोकसभा सीट से आलोक शर्मा, मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, तो वहीं पर भिंड से संध्या राय को टिकट मिली है। ग्वालियर की बात की जाए तो भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिली है और ज्योतिरत सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनका अहम स्थान है और कमलनाथ सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जो कि राज्यसभा के टिकट से चुनाव जीते थे, उसके बाद इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, लेकिन इस बार इन्हें लोकसभा के टिकट गुना से दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। आपको बता दें कि सागर से श्रीमती लता वानखेड़े, तो वहीं राजगढ़ से रोडमल नागर, वहीं टीकमगढ़ जिले से वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से बीडी शर्मा एक बार फिर से मैदान में होंगे, खजुराहो से बीडी शर्मा। आपको बता दें वहीं पर शहडोल से, जहां पर विराट 24 न्यूज चैनल के द्वारा दावा किया गया था, यहां पे दावेदारों की पुष्टि की गई थी कि हिमाद्री सिंह एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो शहडोल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाद्री सिंह को पुनः मैदान में उतारा है। आपको बता दें जबलपुर से, जहां से राकेश सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा में मंत्री बने, विधानसभा चुनाव जीतकर, तो वहीं उनकी सीट में आशीष दुबे को जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते फिर से मैदान में होंगे। होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें माना जाता है कि मध्य प्रदेश में 2024 में सत्ता लाने में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ था। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़कर केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तो बात सच निकल रही है। जहां पर विदिशा से, जहां से एक बार शिवराज सिंह चौहान पहले सांसद रह भी चुके थे, वहां से पुनः शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। देवास से बात करें तो महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनीता चौहान सहित खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, तो बैतूल से दुर्गा दास उइके को टिकट मिली है। विंध्य क्षेत्र की चारों सीटों की यदि बात की जाए तो उसमें से वही कैंडिडेट पुनः रिपीट हुए हैं, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा और सीधी से, आपको बता दें कि जो रीति पाठक, जिनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और वो अब मध्य प्रदेश में एक विधायक के तौर पर, सीधी विधानसभा से विधायक के तौर पर हैं, जहां से यह सीट खाली हुई वहां से डॉक्टर राजेश मिश्रा को, सीधी लोकसभा सीट से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट मिली है। वहीं शहडोल से हिमाद्री सिंह को, रीवा से जनार्दन मिश्रा को, जहां तमाम कयास लगाए जा रहे थे और अन्य नामों के, तमाम नामों को खारिज करते हुए जनार्दन मिश्रा को पुनः टिकट दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगने से पहले ही लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिनमें से कई रिपीट नाम हैं, जो सीटें खाली थी उन पर नए चेहरे हैं, जहां पर सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का विदिशा लोकसभा सीट से है, वहीं पर रीवा, शहडोल और सतना में पुनः वही कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं, और सीधे में जहां पर रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था उनकी जगह पर राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है। अगले अपडेट के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के।